वरुण धवन और नताशा दलाल ने कल यानी 24 जनवरी 2021 को अलीबाग में अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की हाजिरी में शादी कर ली है। वरुण धवन ने अपने शादी के बाद शादी के दौरान की दो बहुत ही प्यारी सी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें उनको बहुत सारी बधाइयां मिली हैं। वरुण धवन की इन तस्वीरों के लिए उनके फैंस सुबह से इंतजार कर रहे थे और कल लेट इवनिंग को वरुण धवन ने शादी के बाद पेपरेजी के सामने आकर सभी को उनकी ये झलक दी है। वरुण धवन ने अपनी शादी के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की तस्वीरें भी आज अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। वरुण धवन ने अपने हल्दी सेरेमनी की दो तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वरुण धवन हल्दी लगे हुए स्वैग करते हुए अपने अंदाज में दिख रहे हैं। वहां दूसरी तस्वीर में वो अपने दोस्तों के साथ हल्दी के बाद मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनके दोस्तों ने कस्टमाइज व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, जिसमें वरुण धवन के ऑन स्क्रीन किरदारों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सीनू से लेकर हमटी और रघु से लेकर टीम वीर तक की कस्टमाइज व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है। तस्वीर में वरुण धवन सेंटर में गोगल पहने हुए अपने ही स्वैग में दिख रहे हैं। इस तस्वीरों के साथ वरुण धवन ने कैप्शन लिखा, हल्दी डन राइट। वरुण धवन की इस हल्दी तस्वीरों को उनके फैंस द्वारा लाइक किया जा रहा है और अब तक 15 लाख से भी ज्यादा लोग इस तस्वीरों को लाइक कर चुके हैं। वरुण धवन और नताशा दलाल की मैरिज सेरेमनी बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी थी और इस सेरेमनी में स्टाफ को फोन तक यूज करने का अलाउ नहीं था। शादी के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पे वरुण धवन के साथ की ये तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था, माय बॉय इज ग्रोइंग अप एंड रेडी फॉर द ब्यूटीफुल फेज ऑफ इन हिज लाइफ। इस शादी में फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, कुणाल कोहली भी करण जौहर के साथ फोटो में दिखाई दे रहे हैं। वरुण धवन और नताशा दलाल स्कूल टाइम से दोस्त हैं और वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ये शादी कर उन्होंने इस प्यार को ऑफिशियल नाम दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।